एक किलो चिकन है, इसको अच्छे से धो के लिया है, स्वच्छ एकदम साफ। और उसके बाद इसमें नींबू का रस डाला है, नींबू मीट, नमक और हल्दी और मिर्ची पाउडर एक चम्मच और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल के सब मैरिनेट करके आधा घंटा पहले करके रख देने का, आधा घंटा 45 मिनट तक इनफ हो जाता। सो फ्रेंड्स, ये है खोपरा है खिसा हुआ जो मम्मी भून रही है अभी। मम्मी इसे कैसे भूनते हैं? इसको पहले खिसने का, जितना भी चाहिए लेके, एक खोपरा या एक वाटी खोपरा लेने का भूनने, उसको पहले खिसने का अच्छे से, उसके बाद इसको भूनने का तेल में डाल के। सो फ्रेंड्स, ये खोपरा खीस के मतलब भून के हम लोग ने ये मिक्सर में डाल दिया है और अभी यहाँ पे कांदे भी आएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी ये कच्चा कांदा ऐसे काटा है मम्मी ने और अभी हम लोग इसे भी भूनेंगे। सो फ्रेंड्स, ये अभी कांदे चले गए हैं। एक किलो चिकन के लिए 4 छोटे कांदे मम्मी ने ऐसे लिए है, आप 2 बड़े वाले भी ले सकते हो और 2 मीडियम साइज के बड़े 2 बड़े ले सकते हो। और अभी इसको मम्मी ऐसे भूनेगी, थोड़ा ब्राउन होने तक भूनना। तो फ्रेंड्स, हमारा कांदा भून के हो गया, अभी इसे भी हम मिक्सर में डालते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भुना हुआ कांदा और खोबरे का वाटर यानी पेस्ट रेडी किया है मिक्सर में मम्मी ने, और अभी मम्मी अदरक और गार्लिक का पेस्ट कर रही है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे गार्लिक और अदरक यानी जिंजर डाल के आप पेस्ट ऐसे कूट के बना सकते हो, या तो मार्केट में भी मिलता है जिंजर गार्लिक पेस्ट, तो आप वो भी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये हो गया है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे हो गया है, और अगर आपको कूटने में नहीं होगा तो आप मिक्सर में भी उसे डाल के पीस सकते हो, कोई भी वे आप चूज करो, ऐसे ही होगा वो। सो गाइस, मिनी कुकर में 2.5 चम्मच घी है और इसे गर्म होने में हमें रुकना पड़ेगा। 4 तेज पत्ता, छोटे तेज पत्ते, 1.5 स्टार, 8 से 9 लवंग, 8 से 10 काली मिरी, 2 बड़ा मिर्ची और 5 से 7 छोटा मिर्ची, और 3 कांदे छोटे काटे हुए, और 1.5 चम्मच बड़ी सौंफ, 2 बड़े चम्मच कस्तूरी मेथी। इससे पहले हम लोग अदरक गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। अच्छा, ये गया अदरक गार्लिक का पेस्ट। ये अभी पप्पा ने डाला गार्लिक और अदरक का पेस्ट। अभी सारे मसाले, ये कौन सा मसाला? 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच हल्दी। ये गरम मसाला क्या है? गरम मसाला, ये गरम मसाले ना, 1 चम्मच गरम मसाले, 1 चम्मच गरम मसाले, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर 1.5 चम्मच, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अभी हम लोग कांदा और खोबरे का पेस्ट जो हम लोग ने बनाया था वो अभी जा रहा है, अभी पापा मेरे चिकन पापा डाल रहे हैं, जो मैरिनेट करके मम्मी ने चिकन रखा था वो है। तो ये है वो चिकन जो का है अभी मैरिनेटेड वाला चिकन। देसी मुर्गी है, अपनी देसी मुर्गी, अगर वो देसी मुर्गी है, देसी मुर्गी का चिकन है, बॉयलर नहीं है, देसी मुर्गी, बॉयलर नहीं है, देसी मुर्गी का चिकन है। 1.5 किलो, 1.5 किलो नहीं, 1 किलो, 1.5 किलो, ओके 1.5 किलो। सो फ्रेंड्स, अभी बड़ी सौंफ भी डाला है डैडी ने इसमें, पहले देख क्या बोलते हैं उसको,
फेनुगरिक मेथी को बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बड़ी शो का आगे बड़ी शो भी बोलते हैं। अगर आपको पता है फ्रेंड्स बड़ी शो को इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो नीचे कमेंट करें। नीमक किधर? नीमक ओके। तो अभी नमक जा रहा है कितना चम्मच? एक डेढ़ चम्मच। डेढ़ चम्मच नमक जा रहा है। ऑलरेडी उसमें भी नमक डाला हुआ है। नमक चिकन में भी डाला है। मैरिनेट करने के टाइम चिकन में ऑलरेडी नमक डाला था, इसलिए भी डेढ़ चम्मच डाल रहे हैं। और स्वाद अनुसार आपको जितना डालना है आप डाल सकते। और इसे अभी अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इसको मल के डालना था। मल के हम लोग डाल रहे हैं कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी अच्छे से मल के टेस्ट के लिए। हाँ ये अच्छे टेस्ट के लिए। अब इसे अच्छे से मिक्स करें। और हमें पानी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पानी थोड़ा कम हो गया तो एक्स्ट्रा डालना जाएगा। हाँ सूख जाएगा, इसलिए एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। राखू का एक दर, राखू या? दो बाउल हम लोग ने डाल दिया है पानी। डेढ़ बाउल पानी डाल दिया। इसको मिक्स करके अभी इस पर ढक्कन लगाएंगे। अभी ढक्कन लगाएंगे हम लोग। जस्ट तीन सीटी गिरा देखिए। अभी तीन सीटी आएगा तो हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स इस पर ढक्कन लगा दिया है और अभी हम लोग तीन सीटी देखेंगे और उसका इंतजार। वाओ फ्रेंड्स देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, टेस्टी लग रहा है। वाओ डैडी का चिकन बनाया है, स्मेल से इसके मेरे को इतना ये टेस्टी लग रहा है। सो फ्रेंड्स ये है आज का मील, चिकन मेड बाय डैडी, स्पेशल चिकन मेड बाय डैडी एंड चपाती एंड ये फ्राइड लिवर है और ये है सैलेड। तो चलो अभी खाते हैं फटाफट। और आप भी ये रेसिपी आपके घर पे ट्राई करना और नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा चिकन। और अगर आपको ऐसा डिलीशियस चिकन बनाना है तो आप ट्राई करना ये रेसिपी, वो बहुत टेस्टी चिकन बनेगा मैं गारंटी दे सकती हूँ। अगर आप स्टेप्स अच्छे से फॉलो करोगे तो इतना अच्छा चिकन बनेगा। और अगर ये रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक फॉर डैडी ऑल्सो प्लीज। हेलो फ्रेंड्स, सो थैंक यू। आज का जो चिकन बनाया था वो स्पेशल संतोष स्टाइल का चिकन था, विच इज़ टेकन फ्रॉम महाराष्ट्रियन स्टाइल, प्लस मेरा कुछ ऐड करके मैंने उसमें बनाया हुआ है। सो आई एम हैप्पी दैट माई किड्स लाइक द वे आई मेक द चिकन फॉर देम एंड उसके लिए स्पेशली आज मैंने आज ही चिकन बनाया है। थैंक यू डैडी आज का चिकन बनाने के लिए। और अभी हम लोग आपको टेस्ट करके बताते कैसा है चिकन। जो मैंने चिकन बनाया है वो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को लाइक करने लगाइए और शेयर करने लगाइए और सब्सक्राइब करने लगाइए। थैंक यू एंड डू कमेंट ऑन द चैनल। थैंक यू।